रोहिणी जो है किडनी दे करके एक सीट ले ली है लालू यादव से, इस सपोर्ट में है कि विरोध में है? ये उनका भाषा गलत है। अच्छा। कोई बेटा बेटी जन्म देता है तो माता पिता के लिए अपना जान दे देता है, तो किडनी मात्र बुद्धि है, इस पर कटाक्ष करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। हमारे साथ मोहन यादव जी हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आज हमारे साथ बैठे हुए और इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर बिहार में किस तरह का 40 सीटों पे मामला चल रहा है। सीट की बंटवारे के बाद लगातार चहल और पहल बची हुई है। स्वागत है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी जो कि इंडिया अलायंस में जुड़ी हुई है, इसी के साथ जो है एनडीए में काफी जो है मचामच चल रहा है, कहीं एनडीए पार्टी जो है गठबंधन पे वार कर रही है और गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए पे वार कर रही है, आप किसके साथ जाएंगे मोहन जी? हम लोग एनडीए के साथ हैं। अच्छा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है, अच्छा, बिहार में एनडीए गठबंधन से एक सीट मिला है काराकाट। अच्छा। और एनएलसी का भी सीट हम लोग को मिला है, देने की बात है, मंत्रिमंडल में भी है। हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे। अच्छा अच्छा। और मोदी जी के कार्यकलाप पर पूरा जनता साथ है। अच्छा। जातीय जनगणना हुआ उसमें यादवों को लेकर के काफी वर्चस्व बढ़ा हुआ है, यादवों की सीट बढ़ रही है गठबंधन सरकार में इंडिया अलायंस में, आप कहें दूर हो गए? देखिए, अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना जन सेवा है। अच्छा। और हमारे नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो उनसे कहीं भी किसी तरह का दाग नहीं है, आज तक कोई भी उन पर आरोप नहीं लगा, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमारा नेता जहां भी रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, हम उस गठबंधन में रहेंगे। यानी कुशवाहा का वोट जेडीयू में जा रहा है और जेडीयू जुड़ा है एनडीए में, इसलिए अब शामिल में? ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा नेता के साथ टोटल कुशवाहा समाज जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग एनडीए से गठबंधन हुआ है और हम लोग का काराकाट का जीत पक्का है, हमारा नेता बहुत वोटों से जीतेगा, ये मुझे जनता पर विश्वास है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, यादव जी है आप और कुशवाहा जी के साथ जा रहे हैं? देखिए, नेता कोई जात का नहीं होता है, समाज का होता है। अच्छा। हम लोग जमात और समाज को लेकर चलते हैं, हमारा नेता जो है जमात को लेकर चलता है, किसी जात को लेकर नहीं चलते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा। क्या लग रहा है इस बार जो 40 सीट अगर एनडीए लेकर गई बिहार से, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए, देश सुरक्षित है। अच्छा। देश पर किसी तरह का कोई आंच नहीं आ रहा है, जनता का भी काम हो रहा है और अन्न जन योजना जो है पूरे जनता पर लागू है। अच्छा। कोई लोग भूखे नहीं सोए और इसी के हम लोग विश्वास से हम लोग जो है से फिर सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का सरकार नहीं, इस बार इंडिया अलायंस की सरकार होगी। आपको यह मालूम होगा जो 22 सीट पर लड़ेगा वो केंद्र में कैसे सरकार बनाएगी? अच्छा। 22 सीट वाला कोई घोषणा करता है उसका क्या महत्व है? जो 22 में अगर 22 जीत भी जाए तो उनका क्या महत्व है? अच्छा। केंद्र में क्या वो करेंगे? अच्छा। उनका सरकार बनेगी? इंडिया अलायंस ना जीतेगी सर, वो अपना घोषणा किया है, कांग्रेस अपना घोषणा की है, अपना अपना सब घोषणा किया है, एक घोषणा पत्र करना चाहिए था ना, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। अच्छा। तो उनके बिहार में आएगा उसका में बात किया जाएगा, अभी तो केंद्र की सरकार का भी केंद्र में ही परिवर्तन का माहौल चल रहा है। इस बार काफी सारे लोग जो बोल रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है, राहुल गांधी की सरकार आने वाली है, ऐसा कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पूरा मोदीमय हो गया है और यहाँ पर 40 पार का जो नारा है, हमें विश्वास है कि जनता के सहयोग से 400 पार करेंगे। अच्छा। पटना साहिब क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, अच्छा, पटना साहिब। यहाँ रविशंकर को हम लोग वोट देंगे। रविशंकर को वोट देंगे, प्रतिपक्ष जी को नहीं देंगे? कहा एक वोट किसको देंगे? वोट एक है, यादव जी है, दो वोट इधर दो वोट उधर, कैसे हमारा एक वोट है दो वोट कैसे है ना? हमारा एक वोट है, एक वोट का घरों में एक ही वोट थोड़ी होगा, परिवारवाद का नारा पूरा चल रहा है। परिवार को अपना अपना विचार है, जहाँ जिसको देना हो हम थोड़े रोकेंगे, हम तो जहाँ देंगे हमारे जो समर्थक होंगे, हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, हमारे जो लोग होंगे वो एनडीए को वोट देंगे। सम्राट चौधरी जी ने कटाक्ष कसा हुआ है कि रोहिणी जो है किडनी दे करके एक सीट ले ली है
लालू यादव से, इस सपोर्ट में है कि विरोध में है? ये उनका भाषा गलत है। अच्छा। कोई बेटा बेटी जन्म देता है तो माता पिता के लिए अपना जान दे देता है, तो किडनी मात्र बुद्धि है, इस पर कटाश करने की कोई जरूरत नहीं, सकता नहीं। अच्छा तो क्या मतलब लग रहा है कि बेटी चाहिए तो रोहिणी जैसी, आप भी कहेंगे इस बात? हाँ, ये बस सही है, कोई भी बेटा बेटी हो रोहिणी जैसा हो, आज्ञाकारी हो, पिता माता पिता का सेवक हो। अच्छा, चलिए, मेरे साथ थे मोहन यादव जी, और हालांकि इनका कहना यह है कि रोहिणी का जो काम है वो वास्तव में एक बेटी को अपने बाप के प्रति जितना जो सम्मान है और जो योगदान है वो होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कटाक्ष करना ये सही नहीं है। एक पुत्री और एक पिता के बीचों बीच का ये मामला है, इस पर कोई कटाक्ष नहीं कसा जा सकता। बाकी इनके विचारों से कितना प्रतिशत सहमत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।